जिस तरह से अब मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं सुबह के टाइम, खवातीन जो हैं बहुत, और मर्द हजरात भी जो हैं वो बहुत जो हैं वो कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ को लेके, तो मॉर्निंग वॉक के लिए उन्होंने जाना होता है। कई लोग इसी तरह से इवनिंग में चले जाते हैं। तो ये सर्दियों में जो दो वक्त हैं कि जरा पीक के होते हैं कि इसमें सर्दी जो है वो ज्यादा होती है मॉर्निंग और इवनिंग, बाकी मॉडरेट होता है, तो इनमें भी हम लोगों को मतलब आप वॉक करने जा रहे हैं तो किस तरह ड्रेसिंग करनी चाहिए? ऑब्वियसली शॉर्ट्स जो हैं वो तो ऐसे बिग नो नो के अगेन आप कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैं बड़ा बहादुर हूं, मैं बड़ा यू नो माचो हूं, तो आई थिंक यू गोना हर्ट योरसेल्फ। आप एक दिन करेंगे जॉग तो उसके बाद यू विल गेट सिक एंड देन यू स्टॉप इट। तो ट्रैक सूट जो है ना बड़ा जबरदस्त है इसके लिए। अच्छा, ट्रैक सूट में दो तरह के ट्रैक सूट मिलते हैं। एक ट्रैक सूट होता है जिसके अंदर लेयर नहीं होती है, एक होता है जिसके अंदर लेयर होती है। तो आपने करना देखना यह है कि यू नो वॉच सी एंड यू नो कितनी सर्दी है। अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो फिर लेयर वाला जो है ना आप दो रखें ट्रैक सूट, एक वो विदाउट लेयर, एक है विद लेयर। अच्छा, उससे ये होगा कि जहां बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो देन यू नो अगर आप अर्ली राइजर हैं, अर्ली मॉर्निंग में जा रहे हैं तो उसको सर्दी ज्यादा होती है, तो आई वुड से सजेस्ट कि वो आप लेयर वाला पहन लें। लेकिन आपको ना उसमें भी अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं है कि आपने ऐसे मफलर से लपेटे हुए हैं, आपने इतनी कैप्स लपेटी हुई हैं, उसके बाद आपने इतनी मोटी सी जैकेट पहनी हुई है, आपने चंकी से शूज पहने हुए हैं, यू नो यू आर नॉट गोना लुक स्टाइलिश। मैं कहता हूँ रनिंग भी करनी है, जॉगिंग भी करनी है, स्टाइल में करें। ठीक, तो उसमें यह है कि अगर आप ब्रांडेड जो हैं, जिसमें यू नो आई डोंट प्रमोट एनी ब्रांड, लेकिन ब्रांड का फायदा यह है कि उस तरह के जो ट्रैकिंग ट्रैक सूट होते हैं उन्होंने बहुत रिसर्च के साथ बनाए होते हैं। विंड रेजिस्टेंट होते हैं, वो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, वो वेदर रेजिस्टेंट होते हैं, उसमें यू नो खास पर सर्दियों में जो बने होते हैं यू नो दे कीप यू वार्म। तो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लें, एक अच्छा दो अच्छे ट्रैक सूट और एक दो अच्छे जो है हाँ लॉन्ग लास्टिंग, वो दे विल लास्ट यू फॉर ईयर्स। अगर आपकी बॉडी चेंज नहीं होती है तो यू नो आई थिंक दैट इज वेरी गुड। सो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे जॉगर्स जो है, अच्छी स्नीकर्स जो हैं उस पर आप इन्वेस्ट करें। उसके साथ जो सॉक्स होनी चाहिए वो आप ड्रेस सॉक्स मत पहने, उसके साथ जो स्नीकर वाली सॉक्स होती हैं थोड़ी थिक जो होती हैं कॉटन की या हाँ फॉर्मल लुक वाली, आप आए यू नो बाहर जाएं आप यू नो यू शुड सेलिब्रेट इट। आई मीन गॉड हैज मेड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड यू नो, और आप एंजॉय भी करेंगे। आप अगर कंफर्ट आपका लेवल है, मतलब आप ठिठर रहे हैं ठंड में, और आप अगर आप एंजॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर गए भी हैं तो आप इंजॉय नहीं करें, इंजॉय नहीं करें। अच्छा, दूसरी एक और बात है, अगर आप स्टाइलिश हो के बाहर जाते हैं, अगर आपने नाइस ट्रैक सूट पहना हुआ है, अगर आपने शूज पहने अच्छे पहने हुए हैं, यू नेवर नो हु यू गोना मीट ऑन द ट्रैक्स। ठीक है ना, आप जा रहे हैं साथ में, एक बात हो जाती है, अच्छा हो सकता है कि यू नो दैट पर्सन कुड बी योर फ्यूचर इंप्लॉयर, दैट पर्सन कुड बी योर फ्यूचर इन्वेस्टर, दैट पर्सन कुड बी योर फ्यूचर बिजनेस पार्टनर। तो आप इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि आप वहां भी बाहर भी अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल, तो ये नहीं हो कि एकदम से वो अच्छी मुलाकात हुई, अच्छा जी आप क्या करते हैं, जी मैं सीईओ ऑफ ए कंपनी, अच्छा आप उस कंपनी के सीईओ हैं, मैंने तो बड़ी आप कोशिश कर रहे थे कि आपसे मुलाकात हो, आज मैं थोड़ा सा वो सॉरी सर वो मैं ना बस ये आई एम नॉट ड्रेस प्रॉपरली, तो आप डिफेंसिव हो जाएं। तो मैं ये कहूंगा कि आप हर मोमेंट को एंजॉय करें, फुलस्ट एंजॉय करें एंड एंजॉय इट इन स्टाइल।